गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस के आप लोग FIGC में आप एंटर्ड हुए एंड आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चुना, और कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो ये SP सब्जेक्ट लिया, राइट? आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये SP सब्जेक्ट जो आपने चुना है, ये अपने आप में एक लॉ की स्टडी है जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट लेकर आएगी, ओके? सो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में दोनों साल आपके लिए SP रहेगा, ओके? जिसमें आप लोग जो स्टडी करेंगे SP में, ये आप करेंगे कंपनी लॉ के बारे में, अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, फाइन, जिस तरीके से CA होता है वैसे एक CS होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, आपको मार्केट की नॉलेज के बारे में यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ओके? एंड आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, आपको सब कुछ इसमें एकदम नया सुनने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे भी, ओके? तो फ़िलहाल हम जो शुरू कर रहे हैं सेक्रेटरी के बारे में, फर्स्ट चैप्टर, आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनिएगा एंड आई होप सो दैट के आपको डेफिनेटली ये बहुत ही एंटरटेनिंग लगेगा और आपको ये बहुत कुछ ही नॉलेज भी देगा, ओके? सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ अ फास्ट डेवलपिंग एंड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव एमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। जैसे कि सब जानते हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही फास्ट एंड डेवलपिंग ग्रोइंग सेक्टर है दुनिया का, और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर क्या हुई हैं, एमर्ज हुई हैं, बराबर है? फाइनेंस इज़ नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सीफाई इट। एंड सबसे ज़रूरी क्या है इन सब चीज़ों को मेन चलाने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंस। द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी जो वर्ल्ड को, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने के लिए है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनारियो। आज के इंडियन बिजनेस सिनारियो के देखते हुए ये कंसेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। अब जब इतना कुछ इस दुनिया में हो रहा है, इतनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, सो देयर इज़ अ वन प्रोफेशन कॉल्ड अ सेक्रेटरी इज़ वन सच प्रोफेशन विच केटर टू द चैलेंजिंग डिमांड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एक सेक्रेटरी होता है, आपने देखिए बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, आप सुनते हो नेता का सेक्रेटरी है, किसी बिजनेसमैन का सेक्रेटरी है, किसी स्टार का सेक्रेटरी है, किसी क्रिकेटर का सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी क्या करता है? अभी क्या होता है कि जो पर्सन सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है वो काफ़ी बिज़ी होता है, उसके पास कुछ ऐसे कामों के करने के लिए वक्त नहीं होते जो बेसिकली हम और आप कर लेते हैं। बट सेक्रेटरी इतना टैलेंटेड होता है, इतना स्किलफुल होता है कि वो उस पर्सन के बिहाफ में उन सारे कामों को अकेला संभाल सकता है, राइट? सो द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, जो आपका सब्जेक्ट है, ये निकल के आता है ओरिजिन, इम्पॉर्टेंस, फीचर, टाइप, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, पहली बात तो ये पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, फाइन? उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंपनी लेवल पे कैसे काम करता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल जानकारी दी गई है सेक्रेटरी को रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आगे क्या कहते हैं। द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, शुरुआत कहाँ से हुई। अंटिल द लेट 19th सेंचुरी पर्सन इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड अज्यूम्ड टू द टाइटल सेक्रेटरी। द लैटिन वर्ड सेक्रेटरम एंड सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट्स, सीक्रेट बातों को छुपा के रखना। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। वो किसी ऐसे के लिए काम करता है जिसके लिए बहुत ही खास वो इम्पोर्टेंस देता है, राइट? सेक्रेटरी। देन उसके बाद देखिए, रोमन में स्क्राइबे कहा जाता था, जो प्रोफेशनल पत्र लिखता है, लेटर लिखता है,
और सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को मेंटेन करता है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या नाम दिया जाता है? अमर्त्य, सचिव, चिटनिस। मीन्स अ पर्सन हु हैव डज अ सेक्रेटेरियल वर्क। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और उसे हमने नाम दिया है सचिवालय, राइट। सो बेसिकली हर एक सदी में उसको अलग अलग नाम दिए गए थे और ये बहुत ही नोन है। फिर आप बात आती है ये लैटिन लैंग्वेज में, रोमन एम्पायर में और इंडियन में। देखो यहाँ पे नाम तो मेंशन कर ही चुके हैं ऑलरेडी, सेक्रेटरी और कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर। जो एक बॉस होता है अपनी सारी जानकारी अपने सेक्रेटरी को देता है। अ प्रोफेशनल लेटर राइटर हु कैन मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। ए पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, राइट। सो यार यहाँ से आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन चुन सकते हैं। चलो पहला वाला ले लेते हैं, ऑक्सफर्ड या फिर कंपनी सेक्रेटरी का ले लेते हैं। ए पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI का मेंबर, या फिर इसके ऊपर का देख लेते हैं। पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। सो फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एनी सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो भी ऑफिस वर्क को संभालना होता है, पूरी कंपनी को संभालना होता है, ये सेक्रेटरी अकेला कर सकता है। इसे देखा जाए सेक्रेटरी इतना स्किलफुल होता है कि अगर कोई भी ना है वो अकेला हर चीज़ों को मैनेज कर सकता है, बिकॉज उसे सब चीज़ों की जानकारी होती है और वो अपने बॉस के बताए हुए मुताबिक काम करते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी ईजी टू नोन दैट कि सेक्रेटरियल वर्क किस प्रकार से दिया गया है यहाँ पे, राइट। आफ्टर दैट या आपका देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब इसमें करीब करीब 8 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या होता है, राइट। सबसे पहले दिया है इंडिविजुअल। पहली बात तो सेक्रेटरी कभी भी ग्रुप में हो नहीं सकता, वो इंडिविजुअली हो सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। ए फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। A secretary has to be individual as per the provision of the company law and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibility towards the employer. Fine? जो जो उसको skills चाहिए, जो जो duties होनी चाहिए उस employer के लिए, वो उसको निभानी होती है। Then we have our duties. A secretary has to perform routine and administrative work such as correspondence. Correspondence का मतलब क्या होता है? लेटर में लिख के बातें करना, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी हैज़ टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे कि कोई भी मीटिंग कंपनी में, जब कभी कोई भी मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग को अरेंज करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मीटिंग में किस तरीके से इन्विटेशन देना है, इनको इन्वाइट करना, फिर मीटिंग के टॉपिक्स तैयार करना और मीटिंग को पूरा संभालना। देन उसके अलावा और क्या 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 करता है? क्लेरिकल वर्क, फाइन, क्लेरिकल वर्क भी उसका ही, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट हो गया, गिविंग रिमाइंडर हुआ, रिप्लाइंग टू द एम्प्लॉयज़ क्वेरी, द ड्यूटीज रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर इन रिसेंट टाइम। सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। जो भी लीगल काम होता है कंपनी के अंदर वो सेक्रेटरी को संभालना ही है। क्वालिफिकेशन, एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन अ पब्लिक और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव अ सर्टन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। Similarly, a secretary of the government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation. Fine, वैसे तो एक personal अगर किसी के पास काम पे जाना है तो qualification इतनी मायने नहीं रखती, वो तो खाली वहाँ पे थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं भी अगर कर ली तो ठीक है, चलो इंग्लिश में बात करने आना और लिखना। बट अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बात करनी है,
देन डेफिनेटली वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने को रहती हैं, राइट। वहाँ पे जब तक ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता है ICSI का, फाइन, जब तक वो वहाँ पे सेक्रेटरी नहीं बन सकता, एंड दैट शुड बी द मेंबर ऑफ ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देन वी हैव एन अपॉइंटमेंट, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। यस, या तो वो पर्सनल हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। पर्सनल है तो मतलब सिंगल किसी आदमी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। अगर इंस्टीट्यूशनल है मतलब वो इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, फाइन। देन एंड इट शुड बी अ वेरी पेड एम्प्लॉय, येट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द सेक्रेटरी। अ फी और अ पेमेंट गिवन टू प्रोफेशनल पर्सन सर्विस रेंडर्ड। अगर वो कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो उसको उसकी फी दी जाती है। देन वी हैव दिस पेड एम्प्लॉय, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और अ पेड ऑनोरेरियम। ऑल दो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय, येट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजिशन। देन वी हैव दिस कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सब बातों की कॉन्फिडेंशियलिटी किसके पास होती है, सेक्रेटरी के पास होती है। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ सेक्रेटरी इज अ क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन। ये वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है जो कंपनी की सब बात इसको पता होती है और ये कंपनी के टॉप लेवल पे कनेक्टेड होता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव, अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी प्रेजेंट द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय, कौन कौन करता है देखो, सोसाइटी करती है, कंपनी करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, ये सब लोग मिल बांट के क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं क्योंकि इनका काम ही बड़े लेवल का होता है। एंड लास्ट इज क्वालिटीज, क्वालिटीज़ क्या बताती है। अ सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टन क्वालिटीज सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटेरियल ड्यूटी स्मूथली। क्वालिटीज़ लाइक कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कॉरपोरेशन, कर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, स्किल एंड नॉलेज सीकर असिस्टेंट स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, उसकी क्वालिटी अपने आप में होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टिक के काम करता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी नो दैट कि एक सेक्रेटरी के अंदर कुछ ये क्वालिटीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे सेक्रेटरी सबसे ज़्यादा जाना जाता है उसकी मेमोरी पावर के लिए, उसके बात करने को तरीके को लेके, लेटर लिख के बात करना, क्योंकि कंपनी का एक फेस होता है अपने आप में वो, फाइन। ही नो हाउ टू डील, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट स्पेसिफिकली, किस तरीके से करस्पॉन्डेंस करनी है, किस तरीके से बातें करनी है, ये काम सेक्रेटरी से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा एक कंपनी के अंदर, राइट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ दैट सेक्रेटरी। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, श्योरली वेरी सून। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छे से एक बार सुने इतने से वीडियो को, ताकि आपको इंट्रोडक्शन पहले क्लियर हो। सेक्रेटरी एक अपने आप में प्रोफेशन है जो काफ़ी पुराना है, राइट। ये बहुत पुराने ज़माने से, राजा महाराजाओं के ज़माने से चलता आ रहा है, बिकॉज दे आर वेरी ट्रूली, दे आर वेरी फेथफुलनेस। वो अपनी कभी कोई बातें को किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं, इसलिए सेक्रेटरियल लेवल को आज एक बुक में एक कंपनी लॉ ने उतारा है और आगे जाके ये कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टिल देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन एज सून। टेक केयर।